क्वेश्चन नंबर 40 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है, अमल ने 12,000 रुपये 8% पे इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट की और 10,000 रुपये 6% के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट किए, जो कि सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहे हैं, ठीक है, और एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया। तो पहले अपन निकाल लेते हैं कि इसको एक कितना इंटरेस्ट मिला होगा। देखो 12,000 रुपये 8% के रेट पर एक साल के लिए अगर इन्वेस्ट करें तो 12 8 96 960 रुपये तो यहाँ मिला होगा। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, सेमी एनुअली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अगर 6% साल भर का है तो 6 महीने का हो जाएगा 3%। कितने इन्वेस्ट करें 3% पे, 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये पहले साल में कितना मिलेगा इसका, 3% मतलब 300 रुपये, फिर 300 रुपये और इस 300 का 3% मतलब 9 रुपये, टोटल कितना हो रहा है 609 रुपये, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन अपन से ये बोल रहा है कि विमल ने 7.5% सिंपल इंटरेस्ट पे एक साल के लिए जमा करे और अमल और विमल को सेम इंटरेस्ट मिला है, तो अपन को बताना है कि अमल विमल ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए। तो यही इंटरेस्ट किसका हो जाएगा, विमल का, इसको जोड़ लो कितना आ रहा है, 6 और 9 6 15 है ना, 1569 रुपये ये आ गया। ये क्या आ गया, किसका इंटरेस्ट, विमल का इंटरेस्ट, एक साल में 7.5% के हिसाब से, मतलब उसको 7.5% की वैल्यू दी है, 7.5% को अपन बोल सकते 15/2%, ये क्या आ गया 15,069। कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो यहाँ से काट लो इसको, ये कट जाएगा कितने से, 3 से कट जाएगा, 3 5 15 3 5 15, 3 2 6 3 3 9, 5% की वैल्यू आ गई अपने पास, कितनी, 523 × 2। अपन को 100% मतलब अमाउंट की वैल्यू निकालनी है, अमाउंट की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर ये हो जाएगी 523 × 2 और इसमें 20 का मल्टीप्लाई और कर दूँ, 20 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, अरे इसमें 20 का मल्टीप्लाई करोगे 100 बन जाएगा ना, ठीक है। तो देखो 4 का ये 20 और इंटू ये हो जाएगा 40, 4 3 12 2 1 0 लगा दो, हासिल किया ये 4 2 8 और 1 9, 4 5 20 और 1 21, 4 2 8 ही आएगा, 4 5 20, 20,920 आ गया। ये क्या आ गया, विमल के द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट, ठीक है।